हाय फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास और इस टाइम थोड़ा सा फ्री हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ काम से आया हूँ कहीं पे। तो एक चीज़ मैंने एक किसी वीडियो में थोड़ा सा ज़िक्र किया था कि मैंने एक वाईफाई सिस्टम इनबिल्ट म्यूज़िक सिस्टम टूडिन सपोर्ट मैंने गाड़ी में इंस्टॉल कराया है, और जिसके लग जाने से थोड़ा सा गाड़ी में एक चेंज सा आ गया। मतलब थोड़ा सा जैसे कि ये गाड़ी तो मेरी पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी जैसे उस गाड़ी में एक इंटरेस्ट सा पैदा हो गया कि चलाने में थोड़ा सा मतलब लगता है कि कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है, जिससे कि गाड़ी में एक इंटरेस्ट और बढ़ गया है। तो वो चीज़ क्या है मैंने आपको वीडियो में बताया था, और अब मैं दिखाता हूँ आपको है क्या, और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। बहुत कॉस्टली नहीं है, 7 to 8 thousand का मिला है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता भी दूं। वाईफाई सपोर्ट है उसमें, मतलब आप अपने स्मार्टफोन या कहीं से भी उसको अगर वाईफाई सिग्नल देते हैं, हॉटस्पॉट सिग्नल देते हैं, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। पूरा पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है वो, और एंड्रॉयड के अप्रॉक्स अब तक जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया सब रन कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब, Gaana.com, ये सारी चीज़ उसमें स्मूथली रन कर रही है। साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है, वैसे मैं इतने सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और बाकी जिसको ज़्यादा चाहिए तो इसमें एम्पलीफायर भी ऐड हो सकता है, वैसे तो है इसमें एम्पलीफायर, वो ऐड और ऐड कर सकता है। तो दिखाता हूँ आपको, देखिए वो कौन सी डिवाइस है, तो आपको भी मुझे उम्मीद है काफ़ी पसंद आएगी वो। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, देखिए ये है वो डिवाइस जो कि मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराया, और फिलहाल सही सेटिंग ना होने से मैंने इसको इंस्टॉल तो करा दिया, इधर उधर मैंने भी ऐसे ही कुछ टेम्परेरी लगा लिया है। अब किसी दिन मार्केट जाऊंगा तो फिर देखता हूँ उसमें क्या हो सकता है इधर उधर से। वैसे ऑप्शनल में तो आती है केसिंग बोलते हैं उसको, नाम उसका याद नहीं आ रहा, जब इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे साथ में वो भी शो करेगा, लेकिन उस साइज़ के हिसाब से तो फिलहाल मैं डिसाइड नहीं कर पाया। जैसे देखिए अभी ये कनेक्ट है, देखिए आपको सामने ऊपर देखिए इसमें वाईफाई और प्लस इस स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से भी कनेक्ट है, कॉल आती है, मैं कॉल इसकी रिसीव कर लेता हूँ इसी से, मतलब बढ़िया, बिना कोई जिसे कहिए सिग्नल लॉस के, ना तो बार बार साउंड ब्रेक होती, एकदम ईजली स्मूथली बात करा देता है। बाकी ये देखिए जिसका जिसे कहिए कि फ्रंट स्क्रीन है वो ये है, इस साइड से आप देखिए ये आपको किलोमीटर दिखाता रहेगा। बाकी उसके बाद अगर आपने सिस्टम में कुछ, और एक चीज़ और जो मैंने नहीं बताया, इसमें 2GB की रैम है और 16GB इंटरनल मेमोरी है, तो आप जो जो चाहें इसमें गाने, वीडियो, सॉन्ग आप इसमें सेव भी रख सकते हैं। तो जैसे ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे पहली ऑप्शन जो इसमें सॉन्ग्स अगर आप इसमें जो कुछ सेफ रखे हैं वो भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। देखिए शायद कुछ मैंने रखा है वो शायद दिख जाए, फिलहाल कुछ नहीं रखा हुआ है, कोई ऑडियो सॉन्ग इसमें नहीं है, ठीक है, ये ऑडियो सॉन्ग प्ले करने के। उसके बाद देखिए ब्लूटूथ का है, सबसे काम की चीज़ आज के टाइम की। देखिए इसमें पूरी मेरी फ़ोन डायरेक्टरी देखिए है, मैं कोई भी फ़ोन यहीं से डायल कर सकता हूँ। बाकी देखिए इस ऑप्शन पे है पूरी पूरी फ़ोन डायरेक्टरी है, बाकी मैनुअल भी मैं डायल कर सकता हूँ, और जो मेरे स्मार्टफोन में है अगर सॉन्ग्स वगैरह हैं वो भी मैं यहाँ से वाया ब्लूटूथ एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसमें आप ऑटो आंसर भी लगा सकते हैं, कॉल आए फौरन वो अपने आप जो है ऑटो कनेक्ट हो जाए। बाकी पिन वगैरह ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही कंपनी ने दे रखा है, इसमें मुझको कुछ नहीं करना है। मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझको बड़ा अच्छा लगा। बाकी इसमें रेडियो ऑप्शन भी दिया हुआ है, और सेटिंग दी हुई है, सेटिंग में देखिए साउंड में देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं इसमें, देखिए कस्टम, क्लासिक, जैज, पॉप, डिफ़ॉल्ट, और प्लस यहाँ से आप अगर आपकी गाड़ी में 4 स्पीकर हैं, 6 हैं, तो आप देखिए यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि सराउंड साउंड या किस स्पीकर से देखिए आपको कितनी साउंड चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा कुछ देखिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वैसे इसमें 2 स्पीकर लगे तो मुझको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी उसके बाद सिस्टम इन्फो में देखिए दिखा रहा है, आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, रैम 2GB है,
और इंटरनल मेमोरी 16 GB है। बाकी इसमें एंड्रॉयड 9.1 है और CPUs एक्सेट्रा दिया हुआ है, लेकिन ठीक है जितना मैं चला रहा हूँ मुझको तो लग रहा है ठीक है। मतलब ये कि और फास्ट हो सकता था, लेकिन उसके लिए फिर 4 GB मेमोरी में जाना होगा, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि अगर इसमें 4K मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ फुल HD चलता है। बाकी फैक्ट्री सेट का है, उसकी ज़रूरत नहीं है जब कभी। बाकी एक चीज़ और, एक कार सेटिंग इसमें अकॉर्डिंग टू कार आप रख सकते हैं, मैंने नहीं किया है। एक चीज़ जो मैं इसमें आपको देखिए सेटिंग में मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। बाकी इसमें एक चीज़ और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये है एंड्रॉयड सेटिंग। अब यहाँ से देखिए सेम जैसे आप अपने स्मार्टफोन से सर्च करते हैं वैसे ही आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। वाईफाई डिस्प्ले, ये मतलब पूरा पूरा देखिए एंड्रॉयड सिस्टम ही है ये, बस इसको कार के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। बाकी इसमें देखिए ऑनलाइन है, इसमें मैनुअल GPS दिया है, जिसमें कि ये देखिए ये लगा हुआ है, इसका वायर इंटरनल आया और इसमें अटैच है। मतलब कहीं पे सिग्नल नहीं है फिर भी मेरा GPS वर्क करता रहेगा। और उसके अलावा एक चीज़ और ही कार सेटिंग में ये थोड़ा सा ओपन नहीं हुआ, उसमें ये है कि आप जिस गाड़ी है आपकी, फोर्ड है मारुति है, तो आप ऑन करेंगे तो मारुति लिख के आएगा। वो मैंने सेट किया एक दो बार पर हट जाता है, तो फिलहाल तो कोई यूज़ है नहीं, इसलिए मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बाकी इसके अंदर देखिए ये डायरेक्ट आपका GPS पे जाने के लिए है, और सेम वैसे ही स्मार्टफोन की तरह होम बटन प्रेस करिए तो होम बटन पे आ जाएंगे। इस टाइम मैं जहाँ पे हूँ देखिए लोकेशन भी, अभी तो फिलहाल वाईफाई से कनेक्ट है, लेकिन नहीं भी कनेक्ट होता। इसमें एक चीज़ ये मैप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अब इंटीरियर में जा रहा हूँ तो वहाँ का मैप डाउनलोड कर लूँगा तो GPS स्मूथली वर्क करता रहता है, और अगर नहीं डाउनलोड होता तो इसको ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी ये ऑडियो प्लस माइनस है, बैक जाने का है ये। अब देखिए जैसे ये कॉल आ गई, ठीक है, इस टाइम कैमरा ऑन है तो बात नहीं करा पाएगा, लेकिन मैं इसको यहीं से रिसीव करके बात ये देखा आपने, इसने स्मूथली कम्युनिकेशन भी करवा दिया, ना मुझको स्मार्टफोन उठाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, मैंने स्क्रीन से ही कॉल को रिसीव कर लिया। मैं उसको डायल, मतलब अभी देखिए प्रैक्टिकल भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए होम बटन पे जाइए, और उसके बाद ये अब एप्लीकेशन फोल्डर पे जाइए। अब देखिए इसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, एक ये एप्लीकेशन देखिए इसमें रियर कैमरा भी सपोर्ट करता है। अब देखिए ये मैंने ये बैक गियर लगाया और देखिए रियर कैमरा खुल गया। कैमरे के ऊपर थोड़ी सी गाड़ी में पॉलिश लगाई, कैमरे के ऊपर भी लगा दी, वो मैंने साफ़ नहीं किया, पर बहुत ही क्लियर कैमरा है ये। मैंने अलग से लिया था, पहले लगा हुआ था इस गाड़ी में, बाद में इसमें अटैच करा लिया। इसमें ऑप्शन दी हुई है, वरना इसके साथ भी रहता है कैमरा, बीच बीच में ऑफ़र आते हैं, आपको फ्री भी मिल सकता है, तो ये तो आपको ऑफ़र देखना होगा। उसके बाद जैसे ही मैंने न्यूट्रल किया, थोड़ा सा सिस्टम में इसमें ये प्रॉब्लम है, लॉकडाउन चल गया तो फिर उसके बाद जो है सॉरी मैंने गाड़ी ऑफ कर दी। उसके बाद जैसे ही मैंने बैक गियर मैं हटाऊंगा ये नॉर्मल अपनी स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद देखिए इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ से भी है, मैंने ये सब सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया है, नोट कलर नोट और लोकल म्यूज़िक ये सारे देख रहे हैं। बस मैं इसको पूरा मतलब बहुत बढ़िया से यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये आप इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे काम की चीज़ जो आप जानना चाह रहे होंगे कि इंटरटेनमेंट का क्या जुगाड़ है भाई, तो इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास यूट्यूब है, और जब यूट्यूब है तो फिर आप तो कुछ भी देख सकते हैं। ये मैंने कुछ सेव कर रखा है क्योंकि बच्चे हैं घर पर, तो जब गाड़ी पर चढ़ते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ये भी देखना है वो भी देखना देखना है। अभी भी स्क्रीन पे कार्टून ही है। मतलब इसको लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझको यही मिला कि जब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मैं ऑन कर देता हूँ वाईफाई, वो अपना लगे रहते हैं, मैं अपना आराम से गाड़ी चलाता हूँ, कोई फ़ोन आता है तो उतना समझ जाते हैं कि हाँ अब बात करेंगे ये, तो उतनी देर में उसको टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ पूरे टाइम अगर 2-3 घंटे की जर्नी है तो पूरी बैटरी समझिए मोबाइल की वो खा जाते थे। तो इसके लग जाने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, देख रहे हैं यूट्यूब है, आप इसमें कुछ भी, यहाँ तक कि अपने वीडियोस भी मैं चला सकता हूँ इसमें। बड़ी दिक्कत तो ये है कि कब वो अपने से आ जाए समझ में नहीं आता, कब ना आए टाइप करते रहिए आप।
मैं किसी और की वीडियो चला नहीं सकता ना, आप भी जान रहे हैं कि वो खामा खा कॉपीराइट आ जाएगा, क्या मतलब है। देखिए ये मैंने इसको रन करा दिया, अब आप देखिए रेजोल्यूशन ये कहाँ तक सपोर्ट करता है। ये 480 पे ही वीडियो ही मैंने डाली थी, शायद स्मार्टफोन से ही बना के डाल दिया था, वरना फुल एचडी तक का भी सपोर्ट करता है ये। देखिए ये है, साउंड को मैं आपको दिखाता हूँ। पानी बनने के बाद पानी फेंक के स्थिति ये है, दो चार दस बूंद गिर रही खाली, लगा देते आधे घंटे तो भरी जाती है। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर पे एक डैम आएगा, पंडो डैम। ठीक है, जब मेरी वीडियोस चल रही तो आप दुनिया की कोई वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद और क्या है इसमें एंटरटेनमेंट का जुगाड़, ये भी आप देख लीजिए। बाकी देखिए ये मैंने घर पे दउवा का सिस्टम लगाया, इसमें कन्फिगर है, मैं घर पहुंचने से पहले ही देख लेता हूं कि क्या हाल है, कितनी गाड़ियां गली में लगी हुई हैं, आराम से जा पाऊंगा या नहीं। बाकी मैंने वन ड्राइव भी इंस्टॉल कर रखा है, जो मेरे लैपटॉप पे डेटा है, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। बाकी कुछ धार्मिक भी चीज़ें रख ली हैं, और उसके अलावा शेयर इट भी है, इसमें आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फ़ोन लिंक भी है, वो मैं कभी किसी वक्त दिखाऊंगा, आप अपने फ़ोन का लिंक जिसे कि मिरर लिंक आप बना सकते हैं इसमें। और उसके अलावा देखिए जैसे Gaana.com भी मैंने इस पर डाल रखा है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो पहले हम लोग पेन ड्राइव और ये सब रखते थे जो अक्सर गायब हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी, वो सारा चीज़ इसमें नहीं है। तो जब Gaana.com आपके सिस्टम पे आ गया तो फिर आप तो समझ रहे हैं, आप कुछ भी प्ले करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये है 7 से 8 हज़ार में 7 इंच का, ये वुडमैन था जब मेरे पास आया तो एन गायब हो गया था, मतलब जाहिर है इम्पोर्टेड आइटम है, लेवलिंग करके यहाँ बेचा जा रहा है। और अब तो कोरोना आ गया, थोड़ा सा इसका जो बैक गियर में जब मैं लगाता हूँ तो कैमरा कभी डायरेक्ट खुल जाता है, कभी नहीं खुलता, तो खैर मैं ऑप्शन में जाके मैं कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है अपने सो जाना चाहिए। तो अब ये कंप्लेन है, लेकिन अब इस टाइम सुनवाई तो हो नहीं रही है, नए प्रोडक्ट भी बिक जाए कंपनियों के, वो सर्विस कहाँ से दे। तो इस वजह से मैंने अमेज़ॉन से इसको मंगाया था, कंप्लेन भी किया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और सबका यही है कि ड्यू टू कोरोना अभी फ़िलहाल कोई जुगाड़ नहीं है। अब देख रहे हैं इसमें ये सारा कुछ है, आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं प्ले ना ही करूँ तो अच्छा है। ठीक है, बाकी साउंड क्वालिटी डिपेंड करती है आपने इसमें कितने स्पीकर कितने ट्विटर्स लगा रखे हैं, बाकी नॉर्मल स्पीकर है तो नॉर्मल की ही तरह बजेगा। ठीक है, देखिए ये पूरा मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और जब इसमें आपके पास गूगल प्ले स्टोर है तो फिर तो आप कुछ भी इंस्टॉल करिए, सब कुछ करिए। बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें मेरी, और भी अगर आगे ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे देखिए वीडियो का है, देखिए कुछ वीडियो इसमें पड़ी हुई है, वही कार्टून, मतलब समझिए कुल मिला के अपना अपने आराम के लिए बच्चों के लिए लगवाया गया है। ये एक वीडियो है, जैसे इसकी थोड़ा सा ऑडियो, माइक्रोफोन देखा आपने, साउंड भी बहुत बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं लिंक दे दूंगा, हो सकता है मेरे लिंक से जाने से आपको कुछ 1500 को फायदा हो जाए, तो आप उसके थ्रू जो है मंगा लीजिएगा, डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं, दोनों से कंपेयर कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 7-8 हज़ार रुपये में लग के, जैसे होता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पुरानी गाड़ी में लग गया, और थोड़ा सा बैठने वालों का भी इंटरेस्ट बढ़ गया, चलाने वाले को भी थोड़ा लगने लगा कुछ, गाड़ी मेरी अपडेट हो गई।